हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से किसानों को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और इसको लेकर के फ्रूट प्रोसेसिंग को लेकर केंद्र के साथ मीटिंग भी हुई जिसमें 1,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद जताई जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों के लिए क्लस्टर बेस के लिए केंद्र से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टमाटर प्याज और आलू के क्लस्टर बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा, साथ ही धान की खेती पर कैसे दिया जाए, खास तौर पर हमारे FPOs और साथ में जो सप्लाई चेन उसको इंसेंटिव देकर। तीन ऐसी फसल टमाटर की, प्याज की और आलू की, जिसको उनने नाम दिया TOP स्कीम, उसको चलाया था। आज केंद्र सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हमने ये आग्रह भी किया है और उनको लिखित तौर पर भी हम भेजेंगे कि हरियाणा के अंदर तीनों TOP के जो हैं, टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, इसके क्लस्टर जोन डिक्लेयर करे जाए, क्योंकि हमारा नॉर्थ हरियाणा जहां आलू की उत्पाद में बहुत बड़ी मात्रा में है, वहीं पलवल हो, मेवात हो, उस एरिया में प्याज भारी मात्रा में किसान लगाते हैं, और तीसरा आपके जो दादरी भिवानी का एरिया है वहाँ टमाटर का उत्पाद बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अंदर केंद्र का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये मानता हूँ कि ये TOP जो स्कीम है हरियाणा भी अधिकतर उसका लाभ ले पाएगी।